नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24x7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने बीदर में पत्रकारों से बात कर कहा कि पंचरत्न यात्रा को सभी का समर्थन मिल रहा है। केपी न्यूज के संस्थापक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अयास खान ने जनता दल एस के राज्य अध्यक्ष सीएम इब्राहिम और पूर्व राज्यसभा सांसद उबैदुल्ला खान आजमी से मुलाकात की। नकदी के साथ पकड़ा गया इंजीनियर, कर्नाटका के सीएम बोम्मई ने कहा हम पूरी जांच करेंगे। चिकमंगलूर, पूर्व विधायक और जेडीएस नेता 15 जनवरी को बेंगलुरु में कांग्रेस में शामिल होंगे। कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री एस एम कृष्णा ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की। आतंक पर करारा प्रहार, लश्कर ए तैयबा के प्रॉक्सी संगठन टीआरएफ पर सरकार ने लगाया बैन। लगातार हंगामे की वजह से नहीं हो पाया दिल्ली मेयर का चुनाव, अब अगली तारीख का इंतजार। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। जनता दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कहा रथ यात्रा आज बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से शुरू होगी। इस बार बीदर जिले में हमारी पार्टी मजबूत है। हमारा उद्देश्य संगठन को मजबूत करना है। जिले में किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ जगहों पर चने की फसल चौपट हो गई। सरकार किसानों की मदद के लिए नहीं आई। इस विशाल कृषक समुदाय में भाजपा विरोधी लहर शुरू हो गई है। किसानों में यह माहौल है कि सभी क्षेत्रों में जेडीएस का समर्थन किया जा रहा है। कार्यक्रम आज पूर्व मंत्री व विधायक पंडपा खाशमपुर के विधानसभा क्षेत्र में चल रही है। यात्रा जिन गांवों से गुजरी वहां के निवासियों ने नेताओं का स्वागत किया और रास्तों पर विशाल फूलमालाओं को जेसीबी पर लादे पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी को अर्पित किया। इस अवसर पर जेडीएस के जिला अध्यक्ष रमेश सोलपुर, जेडीएस के जिला युवा घटक के जिला अध्यक्ष मोहम्मद फेरोज खान सहित सैकड़ों समर्थक व कार्यकर्ता शामिल रहे। प्रारंभ कांग्रेस नम पक्ष यार होते वर्षदा निर्धार ननगेन यहा आतंक इला कांग्रेस नक्षली इन किलोड़े आंतरिकवा कल एर वर्ष संबंध इटको समयकन कायता ननगेन गए। मेहकारा की सीमा पर स्थित लगभग 25,000 एकड़ किसानों की कृषि भूमि को सिंचाई देने के लिए किसान नेता भारती के लोकप्रिय विधायक व केपीसीसी के कार्याध्यक्ष ईश्वर खंडरे का ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसकी लागत 762 करोड़ रुपए है, जो मेहकारा एटा सिंचाई योजना है, उसे ईश्वर खंडरे ने अपने निरंतर संघर्ष के फलस्वरूप किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई दिनों में तैयार किया है। इस योजना को मंजूरी मिलने की खुशी में महाकार गांव से अलवई गांव तक विशाल बाइक रैली निकाली गई और खंडे का सीमावर्ती क्षेत्र के किसानों और युवाओं ने जोरदार स्वागत किया। केपी न्यूज के संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि विधानसौधा में 10.5 लाख रुपए के साथ पकड़े गए एक लोक निर्माण इंजीनियर की पूरी जांच की जाएगी, जबकि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला। हमारे अपने लोगों ने एक इंजीनियर को पैसे के साथ पकड़ा है, वह पैसे कहां ले जा रहा था, पैसा किसके लिए था, वो मैंने संवाददाताओं से कहा हम पूरी जांच करेंगे। इस भ्रष्टाचार मामले के सामने आने से कांग्रेस को एक सरकार पर हमला करने के लिए मौका मिला। खासकर 40% कमीशन सरकार अभियान के लिए मददगार साबित हुआ है। उन्होंने कहा इस सरकार में भ्रष्टाचार के कई मामले हैं, इसलिए ठेकेदार संघ ने इसे 40% कमीशन वाली सरकार करार दिया। पूर्व विधायक और जेडीएस नेता वाईएसवी दत्ता ने घोषणा की है कि वह 15 जनवरी को बेंगलुरु में कांग्रेस में शामिल होंगे। उन्होंने कहा मैं करूर के लोगों के साथ लगातार संपर्क में हूं। पिछले 1.5 साल से कई लोगों ने मुझे तालुक में कांग्रेस में शामिल होने के लिए कहा है। लोग यहां ऐतिहासिक और अपरिहार्य परिवर्तन के पक्ष में हैं। मुझे 2 दिन पहले कांग्रेस नेताओं का फोन आया था और 15 जनवरी को केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार, पूर्व सीएम सिद्धरामैया और अन्य की उपस्थिति में पार्टी में शामिल होने के लिए कहा गया था। मेरे कई शुभचिंतक और पार्टी कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री एस एम कृष्णा ने कहा कि वह सक्रिय राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। अपनी उम्र को सेवानिवृत्ति का कारण बताते हुए 90 वर्षीय नेता ने कहा मुझे पता चला कि मेरे बारे में चर्चा ज्यादा सार्वजनिक रूप से नहीं देखी जा रही है। हम सभी को अपनी उम्र के बारे में पता होना चाहिए। 90 साल की उम्र में हम 50 के दशक में अभिनय नहीं कर सकते। उस आयु कारक का सम्मान करते हुए मैं धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन से अलग हो रहा हूं। यह पूछे जाने पर कि क्या वह भाजपा के निमंत्रण पर पार्टी की बैठकों में नजर आएंगे,
जो अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पुराने मैसूर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि स्थिति आने पर वह इस पर फैसला करेंगे। गुलबर्गा शहर में नगर निगम वार्ड नंबर 5 में नंदी कॉलोनी में चंद्र पाटिल फाउंडेशन द्वारा विनीता कौशल्य केंद्र का उद्घाटन विधान परिषद सदस्य बीजी पाटिल ने किया। इस मौके पर गुलबर्गा उत्तर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी चंदू पाटिल ने कहा कि इस केंद्र में महिलाओं को टेलरिंग की ट्रेनिंग मुफ्त में दी जाएगी और इसी प्रकार के अन्य केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य बीजी पाटिल ने भी मीडिया से बात की। कलबुर्गी से मशहूर आलम की रिपोर्ट। अमलेश्वर टेम्पल में आज एक कार्यक्रम करे हम। आज हम लोग चंदू पाटिल फाउंडेशन के तरफ से टेलरिंग सेंटर खोले सो है। ये टेलरिंग सेंटर में 20 मशीन्स रखे हम फ्री ट्रेनिंग देने वाले हैं। पूरे हमारे जो यूके है, हमारे जो महिला है, उनको जो एंटरप्रेनर बनना चाहते हैं, तो ये 45 डेज का कोर्स है, फ्री कोर्स है। तो पूरे हमारे मत क्षेत्र में आज और कल 2 सेंटर खोले हम और 1-3 सेंटर खोलेंगे। टोटल 6 ये टेलरिंग सेंटर खोलेंगे, वेर उनको टीच करेंगे फ्री ऑफ कोचिंग, पर्सेस बनाने का, टेलरिंग करने का, पिकॉक बनाने का, ड्रेसेस बनाने का। अपने आप ये लोग ठहर के आगे एंटरप्रेनर बन सकते बोल के हमारे फाउंडेशन की तरफ से हम लोग उनके लिए कर रहे हैं। आज ये कार्यक्रम को हमारे पिताजी बीजी पाटिल साहब, हमारे नगर अध्यक्ष सिद्धाजी पाटिल साहब, अशोक मांकर, हमारे चंद्र पाटिल फाउंडेशन के अध्यक्ष उमेश पाटिल, हम सब लोग ने ये कार्यक्रम को चालने दिया। आप देख सकते हैं हजारों में संख्या में महिला आके हमारे को आशीर्वाद दिया है। बहुत खुश हो गए ये लोग। हम जो खड़े से थोड़ा पहले ही करना था, देर आए दुरुस्त आए, पर हमने चालू करा है। गुलबर्गा में चंदू पाटिल फाउंडेशन के तरफ से ये वनिता कौशल तरबेती केंद्र चालू किए हैं इधर, क्या ऐसा और एक भी तरफ चालू कर रहे हैं। ये सब लेडीज के लिए, बहुत जो घर के काम करने के लिए और खुद स्वावलंबन होने के लिए ये बनाए हैं फाउंडेशन के तरफ से। ऐसा 3 वार्ड के बीच में एक बनाने का ऐसा हमारा योजना है। यहाँ पर रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बिदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बिदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। दुनिया में शिक्षा। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है,
जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3-स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नॉर्मल, इट इज नॉट हाई एंड ऑल। बीदर अल्ली फर्स्ट टाइम 3-स्टार होटल, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಸಾಥ್ ಹಿ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಬಿದರ್ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಪುಲ್ ಸೈಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಔರ್ ಸಸ್ಯಾ ನಾಮ ಸೆ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕೆ ಅಲಾವಾ ಬಾರ್, ಜಿಮ್, ಸ್ವಿಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, 1500 ಲೋಗೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಓಪನ್ ಲಾನ್, 100 ಲೋಗೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್ ಮೌಜೂದ್ ಹೈ ಔರ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಸೂಟ್ ರೂಮ್ಸ್ ಕೆ ಅಲಾವಾ ಡಿಲಕ್ಸ್ ರೂಮ್ ಭಿ ಉಪಲಬ್ಧ ಹೈ ಜಿನ್ಮೇ ಸಭಿ ಪ್ರಕಾರ ಕಿ ಸುವಿಧಾ ಹೈ. वाइब होटल्स के मालिक राजू मालवे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहां पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार जरूर चले आइए। वाइब 3-स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहां पर मैं 2-3 बार आया हूं और यहां का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, सभी रीजनेबल है यहां पे रेट्स वगैरह। याद रखिए वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहां के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए बीदर ज़िले की एकमात्र 3-स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े होटल जीएम 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मेल के साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3-स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और है कि हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो जो चाहिए आपको फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देखते हैं देश और विदेश के समाचार। भारत सरकार ने आतंकी समूह TRF पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के संबंध TRF जम्मू कश्मीर में लक्षित हत्याओं में शामिल रहा है। गृहमंत्री ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि आतंकी संगठन TRF को बैन किया जाता है। इस संबंध में गृह मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले लश्करे तैयबा के कमांडर मोहम्मद अमीन उर्फ अबू खुबैब को आतंकवादी घोषित किया गया है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। सरकार की ओर से आतंकी संगठन घोषित किया गया TRF साल 2019 में अस्तित्व में आया था। दिल्ली नगर निगम MCD के मेयर के चुनाव में जबरदस्त हंगामे के चलते आज की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। इसके कारण मेयर का चुनाव आज नहीं हो पाया। अब सभी को अगली तारीख का इंतजार है। अगली तारीख बाद में आएगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस हंगामे को लेकर BJP पर नाराजगी जताई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, MCD में अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए और कितना गिरोगे भाजपा वालों। मनोनीत पार्षदों की गैरकानूनी नियुक्ति और अब जनता के चुने पार्षदों को शपथ न दिलवाना। अगर जनता के फैसले का सम्मान नहीं कर सकते तो फिर चुनाव ही किस लिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपराधियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि अगर मेरा वश चले तो मैं दुष्कर्म करने वालों और गैंगस्टरों की बाल काटकर उनकी सरे बाजार परेड करवाऊंगा। गहलोत ने ये बात उदयपुर में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने आगे कहा कि मैं ऐसा इसीलिए भी करना चाहता हूं ताकि इन जैसे अन्य अपराधियों में भी डर पैदा हो। अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने तक रिश्वतखोरी के मामलों के आरोपियों के नाम और फोटो सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। ये आदेश को लेकर भी गहलोत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह आदेश तो उच्चतम न्यायालय के
एक आदेश की पालना में निकलवा दिया होगा और कोई मकसद नहीं, सरकार की मंशा वही है जो पहले थी। राजौरी हमले पर जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता और डीएपी प्रमुख गुलाम नबी आजाद का बयान आया है। उन्होंने श्रीनगर में कहा कि पहले भी ऐसा हुआ है, मारने वालों को यह इल्म नहीं है कि गैर मुसलमान को मारने से सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों का ही होता है। कश्मीर में लाखों बच्चे हिंदुस्तान के विभिन्न हिस्सों में पढ़ते हैं, ऐसे हमलों का उन पर बहुत असर पड़ता है। गौरतलब है कि राजौरी में रविवार को आतंकियों ने 3 घरों में फायरिंग कर 4 हिंदुओं की हत्या कर दी थी। आतंकी चौथे घर को भी निशाना बनाने वाले थे। जैसे ही वे घर में घुसने लगे तभी बालकृष्ण ने आतंकियों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई देखते हुए आतंकी गांव से भाग गए थे। आजाद ने हाल के समय में कांग्रेस से अपना 52 साल पुराना साथ तोड़ दिया था। पार्टी आलाकमान के साथ अपने मतभेदों के बाद आजाद ने अगस्त में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और राहुल गांधी और उनकी मंडली पर निशाना साधा था। 1970 के दशक के मध्य में कांग्रेस में शामिल होने के बाद आजाद ने पार्टी और सरकार दोनों में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वह 2005 से 2008 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे। भारत में आतंकियों का सबसे बड़ा सप्लायर पाकिस्तान आज खुद आतंक से जूझ रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने इन मुल्क और यहाँ की आर्मी के नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तान आर्मी और टीटीपी के आतंकियों के बीच चूहे और बिल्ली का खेल जारी है। इस खेल में कभी टीटीपी भारी पड़ रहा है तो कभी पाकिस्तान के सुरक्षा बल, लेकिन दोनों ही सूरतों में नुकसान पाकिस्तान का ही हो रहा है। ऐसे में खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान अब अमेरिका की मदद से टीटीपी के ठिकानों पर हमला करने का प्लान बना रहा है। तुझ में सांस लूं सॉन्ग ने जीता लोगों का दिल, राधे रूपन के रोमांटिक वीडियो। अब समाचार खेल जगत की। भारत की टी20 टीम से विराट, रोहित और राहुल की होगी छुट्टी। राहुल द्रविड ने दिए करियर के खात्मे के संकेत। आखिर में समाचार बाजार की। बजट से पहले गांव से आई बुरी खबर ने सरकार की बढ़ाई चिंता। त्योहारों और अच्छी फसल के बावजूद नहीं बढ़ी उपभोक्ता वस्तुओं की मांग। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। पूर्व मुख्यमंत्री कुमार स्वामी ने बीदर में पत्रकारों से बात कर कहा कि पंचरथ यात्रा को सभी का समर्थन मिल रहा है। केपी न्यूज के संस्थापक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अयास खान ने जनता दल एस के राज्य अध्यक्ष सीएम इब्राहिम और पूर्व राज्यसभा सांसद उबैदुल्ला खान आजमी से मुलाकात की। नकदी के साथ पकड़ा गया इंजीनियर, कर्नाटका के सीएम बोम्मई ने कहा हम पूरी जांच करेंगे। चिकमंगलूर, पूर्व विधायक और जेडीएस नेता 15 जनवरी को बेंगलुरु में कांग्रेस में शामिल होंगे। कर्नाटका के पूर्व मुख्यमंत्री एस एम कृष्णा ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की। आतंक पर करारा प्रहार, लश्कर ए तैयबा के प्रॉक्सी संगठन टीआरएफ पर सरकार ने लगाया बैन। लगातार हंगामे की वजह से नहीं हो पाया दिल्ली मेयर का चुनाव, अब अगली तारीख का इंतजार। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।